ये पॉइंट है, यहाँ से तीनों मुल्क नज़र आते हैं। योड़ माज तकड़ा आकबा में है इस वक्त हम। ऊपर होटल से बेहतरीन व्यू है नीचे समंदर का, वो बिल्कुल सामने इसराइली शहर है उमर रशाश है मेरे ख्याल से उसका नाम, वो उधर इजिप्ट का शहर है वो भी नज़र आता है, उसका तावा नाम उसका है और ये उर्दुन का है। तो ये बीच में जो है तीनों शहर नज़र आते हैं। तो अभी फ़िलहाल निकले हुए हैं, आपको इंशाल्लाह शाम को या किसी टाइम छत पे जाकर वहाँ से आपको व्यू कराते हैं तीनों का। तो टाइम कम है हमारे पास, फ्लाइट है कल, आज का ही दिन है, कम से कम दो तीन दिन होते तो एक्टिविटीज़ बहुत हैं यहाँ करने को, खारिश आदमी की। अरे पैसे भी होने चाहिए, पैसे भी, हाँ ये भी मसला है। खैर खारिश दूर करने के लिए पैसे भी ज़रूरी हैं, वो फ्री में कोई खारिश दूर नहीं करता। तो चलो अभी निकले हुए, देखते हैं इंशाल्लाह कितनी खारिश दूर हो सकती है। अक्बा उर्दन का इकलौता साहिली शहर है जो कि सियाहत और तिजारत के शोबों के जरिए उर्दन की इकोनॉमी की तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। ये शहर छोटा मगर इंतहाई खूबसूरत है। इसको बिहर अहमर की दुल्हन यानी ब्राइड ऑफ द रेड सी भी कहा जाता है। पेट्रा और वादी रम के करीब वाक़े होने की वजह से यहां पर भी सयाहों की रौनक लगी रहती है। ये शहर बिहर अहमर के कोने पर मौजूद तीन ममालिक के जोड़वां शहरों में से एक है। इस शहर का पुराना नाम इलात है जो कि आजकल साथ वाले इसराइली शहर का नाम हो चुका है। 12वीं सदी ईस्वी में सलीबियों ने इस शहर पर कब्जा कर लिया था, जिसको सन 1250 में सलाह अल्दीन अयूबी ने आजाद करवाया। यहां पर समंदर के अंदर जंगी म्यूजियम भी बनाया गया है, जिसकी वजह से यहां की स्कूबा डाइविंग मशहूर है। स्कूबा डाइविंग के अलावा भी यहाँ पर तकरीबन तमाम वाटर स्पोर्ट्स मौजूद हैं। ये हमारे कमरे से ये व्यू है, लेकिन वो सामने दूसरा कमरा है, वहाँ से मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वो व्यू दिखा दूँ जो तीन मुल्कों वाला। इधर काम लगा हुआ है, ये देख लो वो जो बिल्डिंग है ना, वो है इसराइल के, उसका तरीनाम और रसास है कि मैं देख के फिर बता देता हूँ। ये जो है ये तो अकबा है, और वो जो किश्ती के पीछे है ना वो मिस्र है, मिस्र का है वो तौबा। तो ये पॉइंट है, यहाँ से तीनों मुल्क नज़र आते हैं। ये मेन स्क्वायर है यहाँ का, वो सामने फूड स्ट्रीट है, ये इनकी यहाँ से वो चलती है सिटी टूर बस चलती है। और अभी हम खाने जा रहे हैं, खाना खा के इंशाल्लाह फिर देखते हैं क्या एक्टिविटीज़ हैं इधर आज कर सकते हैं। स्नॉर्कलिंग है और वो जो पानी की सारी एक्टिविटीज़ हैं वो हैं, लेकिन टाइम कम है अभी। ओह टाइम वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। असर का अजानें हो गई हैं, अभी हम
जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। थोड़ी ठंड शुरू हो गई है। ये यहाँ पे मज़ार है साथ ही हमारे होटल के, और बहुत ज़बरदस्त मौसम है। गर्मियों में तो खैर गर्म होता है, लेकिन मार्च तक और उसके बाद सितंबर के बाद से बहुत ज़बरदस्त मौसम है यहाँ पे। तो चलो फ़िलहाल होटल चलते हैं, फिर मिलते हैं। अच्छा, ये बाज़ार जो है यहाँ पर थोड़ा गुजारा है अम्मान से। अम्मान तो बहुत महंगा था, ये आकबा का बाज़ार कदर बेहतर है, कदर सस्ता। ये टोपी ले ली मैंने, और दूसरी टोपी में हर कोई देख रहा था, पुलिस वाले भी और ये भी, तो वो मशहूर है, तो हर कोई कहता है अफगानी है, तो भी ये टोपी ले ली है। और अभी भी अल्लाह करे किसी को ख़ारिश ना हो। आ जाओ, ये देखिए समंदर का पानी कितना साफ है, नीचे पत्थर नज़र आ रहे हैं, और एक कराची का समंदर है, क्या बोले बंदा। ये टूर सिटी टूर बस में अकबा के अभी बैठे हुए हैं, और इंशाल्लाह इसके ऊपर अभी आपको अकबा की थोड़ी सैर कराते हैं। अभी ये भी तजुर्बा हो गया, किसी भी शहर में आए सबसे पहले एक तो गूगल मैप्स डाउनलोड करें उसके ऑफलाइन, उसके बाद उसका जो डाउनटाउन है वहाँ जाए बंदा, और अगर इस तरह की भी बस चल रही हो तो उस पर बैठ जाए। ये तीन काम बंदा करे किसी भी शहर में जाए। ये हमारे होटल के साथ ही मैच लगा हुआ है, और लड़के लोग कावा पी रहे हैं। फुटबॉल मैच देखने के लिए इससे अच्छी और बुरी जगह कोई नहीं हो सकती। अच्छी इसलिए कि साहिल पर मैच देखना हर एक को नसीब नहीं होता, और बुरी इसलिए कि गर्दन घुमाओ तो इसराइल नजर आता है। अच्छा।
जी चाय तो ले ली है, अभी इधर उसको बैठ कर पीते हैं बेंच पर। अच्छा, उर्दून में ज़ेबरा क्रॉसिंग के अलावा अगर वो करो, रोड क्रॉस करो, तो जुर्माना हो जाता है भाई यहाँ पे। और दूसरा उधर वो सिग्नल के साथ बंदे का भी वो लगा होता है, सिग्नल ग्रीन हो तभी क्रॉस कर सकते हैं, रेड हो तो बंदा भी क्रॉस नहीं कर सकता। जार शम्द पाकिस्तान। और चलो भाई, अकबा से इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। La 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 la